हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलेट अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो बेसिक सीरीज़ का वीडियो नंबर 35 और एक्सपोनेंट सीरीज़ का वीडियो नंबर 6। अभी तक हमने एक्सपोनेंट के सारे कंसेप्ट और रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम सारे रूल्स का एक बार रिविज़न हो जाए उस तरीके से हमने इस वीडियो को बनाया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपके सारे रूल्स एक बार वापस रिवाइज हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो हम इसको पावर को प्लस करेंगे तो 2^4 + 3 = 2^7, ये आपका आंसर हुआ। सेकंड देखिए, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में डिवाइड है। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि पावर डिफरेंट होने से और डिवाइड होने से आपको पावर का माइनस कराना है, तो 7 - 3 हो जाएगा = 2^4 हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे पावर की पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2^4 = 2^12 हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2^0, जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। नेक्स्ट, जब किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं? उसको 1/2 करके लिखते हैं। फिर नेक्स्ट, जब किसी नंबर को हम 1/2 करके लिखते हैं तो उसकी पावर को हम नेगेटिव में दिखाते हैं। ये दोनों रूल्स आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं, आप एक बार ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे 5/8 - -3 है तो पूरे फ्रैक्शन को ये पावर जाएगी, तो ये पावर दोनों के पास जाएगी। वैसे भी आप कर सकते हो और मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाई थी कि हो सके तो पहले पावर को माइनस है तो उसको प्लस में कर लीजिए। तो पावर को प्लस में करने के लिए हम नंबर को क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं, उसको घुमा देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 8/5। ये उल्टा करने से पावर माइनस में थी वो क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। अब ये पावर दोनों के पास जाएगी, तो 8^3 और 5/3। नेक्स्ट, यहाँ पे पावर दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 3/3 और 5/3 हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी नंबर की पावर 1 होती है तो नंबर खुद ही अपने आप में आंसर हो जाता है, और यहाँ पे 5/3 और 3/3 है और मल्टीप्लाई है। यहाँ पे पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, तो हम बेस को कंबाइन कर लेते हैं 3/3। ये पावर दोनों में से बाहर निकल जाती है तो क्या हो जाएगा? 15/3 हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे बेसिक रूल्स के बारे में डिस्कस किया, और इस वीडियो के बाद हम एलजेब्रा, एक्सपोनेंट और लीनियर इक्वेशन से बनने वाले, तीनों से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और एक्सपोनेंट के जो एनसीईआरटी क्लास 7 और 8 में जो एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चन को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाला जो वीडियो होगा वो अभी बेसिक के ऊपर नहीं होगा, बट उसके ऊपर आपको डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन मिलेंगे और आंसर कैसे लाना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर ना जरूर कुछ लिखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हमने आपके लिए काफ़ी हार्डवर्क किया है, एलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन और एक्सपोनेंट की सीरीज भी बना डाली है। तो एक बार आप कमेंट तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड के या फ्रेंड ग्रुप है उसके अंदर भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो इस वीडियो को काफ़ी लाइक्स और सब्सक्राइब्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।